बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हाई टेंशन विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी की विद्युत करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर मृतक संविदा के कर्मी के परिजनों को विद्युत पोल पर लटके हुए शव को देखकर कोहराम मच गया। थाना पुलिस ने विद्युत पोल पर लटके हुए संविदा कर्मी के शव को पोल से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला हतारा जिले के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव मीरपुर का है। गांव मीरपुर स्थित हाई टेंशन विद्युत लाइन पर विद्युत उपकरण एदारपुर में शटडाउन लेकर संविदा कर्मी पंकज विद्युत मरम्मत कर कार्य कर रहा था। इसी बीच विद्युत उपकरण एदारपुर से किसी कर्मचारी ने गांव मीरपुर स्थित हाई टेंशन लाइन चालू कर दिया, जिससे हाई टेंशन विद्युत लाइन के पोल पर कार्य कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारी पंकज की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई और संविदा कर्मी का शव पोल पर लटका ही रह गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक संविदा कर्मी के परिजनों ने शव विद्युत पोल पर लटका हुआ देखकर कोहराम मच गया। हंगामे पर संविदा कर्मचारी की मौत की सूचना पाकर गांव मीरपुर पहुंची थाना कोतवाली सादाबाद पुलिस ने गुस्साए ग्रामीण को शांत कराया और विद्युत पोल पर लटकाए हुए संविदा कर्मी के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले में जिला अधिकारी रामजी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि संविदा कर्मी पंकज के साथ दुर्घटना हो गई थी। थाना पुलिस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मृतक संविदा कर्मी की पत्नी को जांच को 5 लाख का चेक आर्थिक सहायता के रूप में जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया। विष्णु कुमार मृतक संविदा पर कर्मी का भाई रामजी उच्च जिला अधिकारी सादाबाद। दुर्घटना हो गई थी, पत्नी को राधा देवी अस्पताल राहत से विद्युत विभाग के अधिकारी के द्वारा 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। सीएस क्लेम उसके विद्युत विभाग द्वारा अलग से दिए जाएंगे। हम क्या आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार है। अच्छा, ये पिंटू ये कौन है आपके? मेरा भाई है, पंकज। अच्छा, कुमार नाम है इसका। कब से काम कर रहा था बिजली विभाग? कई साल हो गयी। आज ये हादसा जो हुआ कैसे हुआ हादसा? भैया इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जैसा बताया जा रहा है सिग्नल लेके